क्या अहमद को इस आदमी ने मारा है उलझा है? जी हां मलिका खातून, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे पहले ही खत्म कर देता, लेकिन ये रुकावट बन गए। खड़ा करो इसे। तुमने मारा है मेरे बेटे को? हाँ बिल्कुल, उसे मैंने ही मारा है। क्यों मारा उसे? इकलौता बेटा था वो मेरा, मेरे जीने की वजह था मेरा बेटा। तुमने फिर भी उसे मार दिया और साथ मुझे भी। कैसे मारा उसे? जब मैं जिंदान वाले खेमे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर उसे होश आया। मैंने पहले तो उसे कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि यह इलाका तुम्हारा नहीं हमारा है। तो बस यही मौका था मुझे तुर्क को मार देने का। तुम सबने हमसे हमारी इन सरजमीनों को छीना है। तो क्या अहमद को इसीलिए मारा है तुमने? और क्यों मारता, यही वजह है मारने की। तुम सबको मारेंगे, हम तुम्हारे आलीशान खेमों को जलाकर राख कर देंगे इस सरजमीन पर। देखो जरा इसे, हमारे बाजार से खाता कमाता है और फिर हमसे गद्दारी करता है। कमबख्त कातिल मेहमत, आज के बाद कोई अनजान शख्स इस बाजार में ना आए। बताओ मुझे, तो फिर क्या किया तुमने? उसे उठाया मैंने और गला घोट दिया। उसका इस सरजमीन पर सांस लेना मुमकिन नहीं ये बताया उसे मैंने। मिन्नत कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, जीना चाहता था। फिर मैंने अपना खंजर निकाला और उसके सीने में घोंप दिया। किसके कहने पर ये सब किया है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका यही अंजाम था। जो हमारे साथ खयानत करेगा उसका यही हाल होगा। अहमद, तुम्हारे कातिल को मार दिया है मेरे बच्चे। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है, शुक्र है।